नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में कि आप यहां 2024 में कब जाए, कैसे जाए, यहां रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और सिद्धिविनायक जी के दर्शन आप कैसे करें और दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका यहाँ दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सिद्धिविनायक मंदिर की यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सिद्धिविनायक मंदिर की। मुंबई शहर का यह मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गणपति बप्पा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में देश विदेश से आते हैं क्योंकि यह मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। और साथ ही इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के द्वार हर धर्म के लोगों के लिए खुले रहते हैं, यहाँ किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं है। और इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ मंगलवार को होने वाली आरती बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालुओं की लाइन लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी हो जाती है। और इस मंदिर में स्थापित भगवान गणेश जी की मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है, जिसकी सूंड दाईं तरफ है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा वाले मंदिर सिद्ध पीठ कहलाते हैं, जिससे कि उन्हें सिद्धि विनायक की संज्ञा भी दी जाती है। माना जाता है कि सिद्धि विनायक मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की मुरादें अवश्य पूरी होती है। और गणपति बप्पा के सिद्धि विनायक मंदिर का निर्माण 19 नवम्बर 1801 को एक लक्ष्मण विधु पाटिल नाम के स्थानीय ठेकेदार द्वारा किया गया था। और बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली धनराशि एक कृषक महिला ने दी थी। और सिद्धि विनायक मंदिर की गिनती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। और जानकारी के अनुसार यह मंदिर हर साल लगभग 100 से 150 मिलियन धनराशि दान के रूप में प्राप्त करता है। और इस मंदिर की देखरेख करने वाली संस्था मुंबई की सबसे अमीर ट्रस्ट है। दोस्तों अब बात करें कि आप मुंबई में से सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यह मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर आप दर्शन करने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहां पर जाने का सबसे सही समय सितंबर से लेकर के मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहां पर कई सारे त्यौहार होते हैं, जिनमें खास करके गणेश चतुर्थी यहां पर बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और इस दौरान पंडालों और घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, जिसमें चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण से लेकर के अयोध्या के राम मंदिर तक के अलग अलग पंडालों में इनकी झलक देखने को मिलती है। और इस साल 2024 में यह उत्सव 7 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में बड़े बड़े सितारे भी यहाँ बप्पा के दर्शन करने के लिए और इस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यह उत्सव लगभग 11 दिनों तक चलती है, का आनंद आप सभी मुंबई जाकर के ले सकते हैं। वहीं अगर आप यहां पर भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, यानी कि भीड़ भाड़ में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन नहीं करना चाहते, तो आप गणेश उत्सव को छोड़ करके यहां पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप सिद्धिविनायक मंदिर कैसे पहुंचे। वैसे तो यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर आप बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट और अपने निजी वाहन द्वारा बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप सिद्धिविनायक मंदिर बाय ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन दादर रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के कुछ ही प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन से सिद्धिविनायक मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, जिसे आप पैदल या फिर ऑटो रिक्शा से लगभग 30 से 40 रुपए में पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मुंबई पहुंच गए तो आप यहाँ के किसी भी शहर के रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ करके दादर रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। और हाँ, आपको दादर रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप मुंबई सेंट्रल या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न छोटे बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, अमृतसर, कोलकाता, हैदराबाद, मथुरा, अयोध्या और चेन्नई आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट मुंबई सेंट्रल या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ही आती हैं, जबकि मध्य पूर्व और पश्चिम भारत से आने वाली ट्रेनें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या फिर BT तक आती हैं। और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सिद्धिविनायक मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर जबकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जिसे आप शेयरिंग टैक्सी या फिर ऑटो रिक्शा से पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इन रेलवे स्टेशनों के बाहर से सिद्धिविनायक मंदिर के लिए शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 250 से 300 रुपये होता है और ऑटो रिक्शा का चार्ज लगभग 150 से 200 रुपये तक होता है।
और दोस्तों यदि आप सिद्धि विनायक मंदिर बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, अमृतसर, कोचीन, अयोध्या, लखनऊ और चेन्नई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट मुंबई के एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से सिद्धि विनायक मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जिससे आप शेयरिंग टैक्सी या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप मुंबई एयरपोर्ट के बाहर से सिद्धि विनायक मंदिर के लिए शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 500 से 600 रुपए होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 800 से 1000 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप सिद्धि विनायक मंदिर बाई बस जाना चाहते हैं तो इस मंदिर के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, पुणे, लखनऊ, मथुरा और महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट सिद्धि विनायक मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिद्धि विनायक मंदिर अपने निजी वाहन कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में से सिद्धि विनायक मंदिर की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते, मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए बहुत ही आसानी से अपने निजी वाहन द्वारा सिद्धि विनायक मंदिर तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप यहाँ पर पहुँचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको सिद्धि विनायक मंदिर के आसपास यानी कि दादर में बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 1500 से 15000 रुपए तक में बुक करके स्टे कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में रूम आपको लो बजट से लेकर के हाई बजट तक के बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो जुहू बीच के पास में भी अपना स्टे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको स्टे करने के लिए काफी सारे रूम मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। और इस जुहू बीच से सिद्धि विनायक मंदिर की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। दोस्तों अब बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको दादर में या फिर जुहू बीच के आसपास खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट, प्राइवेट होटल और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 150 से 200 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने से पहले आप अपने जूते चप्पल को उतार दें मंदिर के बगल में ही, और साथ ही इस मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, बैग और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ले जाना पूर्ण रूप से वर्जित है, इसलिए आप इन सभी सामानों को रूम पर रख करके आए। तो दोस्तों सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लाइन में लगे और लाइन में लग करके गणपति बप्पा का ध्यान करिए, और ध्यान करते हुए आप पहुंच जाए मंदिर के गर्भ में, जहाँ पर आप पहुंच करके भगवान श्री गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप के दर्शन करिए, मथे टेकिए और अपनी मनोकामनाएं मांगे। और यही पास में दो चांदी के चूहों की स्टैचू भी बनी हुई है, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप इनके कान में अपनी इच्छाएं बता देते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी, क्योंकि ये चूहे जाकर के भगवान गणपति बप्पा को आपकी मनोकामनाएं बता देते हैं। और दोस्तों यह मंदिर भक्तों के दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक खुला रहता है, लेकिन प्रमुख त्योहारों पर यह मंदिर सुबह जल्दी खोल दिया जाता है। और दोस्तों इस मंदिर में हर दिन सबसे ज्यादा भीड़ मंगलवार को होती है। और सिद्धि विनायक मंदिर में प्रवेश के दो मार्ग हैं, पहला सिद्धि द्वार, दूसरा रिद्धि द्वार। सिद्धि गेट वह गेट है जहां से दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, वहीं अगर आप इस भीड़ भाड़ वाली लाइन से बचना चाहते तो आप रिद्धि गेट से सिद्धि विनायक मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इस गेट से आपको प्रवेश करने का चार्ज लगभग 200 रुपए देना होता है। और इस मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसकी मूल संरचना पहले काफी छोटी थी, जो कि ईंटों से बनी हुई थी, जिस पर गुंबद का आकार का शिखर भी बना था, लेकिन बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करके आकार को बढ़ाया गया और इसे नया स्वरूप दिया गया। और दोस्तों सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप इसके आसपास की जगहों को भी घूम सकते हैं, जैसे जुहू बीच, श्री महालक्ष्मी मंदिर, मुंबा देवी मंदिर, मरीन ड्राइव, फिल्म सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली दरगाह, संजय गांधी नेशनल पार्क, जीवदानी देवी मंदिर और बांद्रा वर्ली सी लिंक पुल आदि जैसे मुंबई के टूरिस्ट प्लेसेस है, जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं।
और दोस्तों यदि आप मुंबई की यात्रा से रिलेटेड और भी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक फुल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो को देख करके मुंबई की यात्रा काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप केवल सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो इसके लिए केवल 2 डे 1 नाइट का ट्रिप ही काफ़ी है, लेकिन यदि आप यहाँ पर दर्शन करने के साथ साथ आसपास की जगहों को भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 5 डे 4 नाइट का ट्रिप प्लान तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन 5 दिनों में आप सिद्धिविनायक मंदिर के आसपास के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को काफ़ी आसानी से घूम लेंगे। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर दर्शन करने और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए 5 डे 4 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 12,000 से 15,000 रुपये पर पर्सन लग सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करने आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं और यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप के रूम की बुकिंग करते हैं और साथ ही सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।